बेटा अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रहे हो, क्या कभी सीए बन भी पाओगे? बेटा तुमसे छोटे लोग ग्रेजुएट होके कमाने लग गए हैं, तुम आज भी अपने मम्मी पापा के पैसों पे पढ़ाई ही कर रहे हो। बेटा ये तुम्हारा फिफ्थ अटेम्प्ट है, इस बार भी पास नहीं हुए तो पूरे खानदान की बदनामी हो जाएगी। बेटा मैंने तो पहले ही कहा था कि सीए तुम्हारे बस का नहीं है। अरे चुप, कितने आसानी से कह दिया ना कि सीए मेरे बस की नहीं है। कभी इन चार दीवारों के अंदर बसी मेरी जिंदगी के तरफ झांक कर तो देखना, एक अलग ही दुनिया बसी है यहाँ। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, इन बेरंग सफेद दीवारों ने खामोशी, अकेलापन और तन्हाई में लिपटी मेरी कई चीखों को सुना है। इसी कमरे में बैठकर इसी जगह मैं 24 में से 16 घंटे पढ़ाई करती हूँ और बचे हुए टाइम सीए बनने का सपना देखती हूँ। मेरे लिए जिंदगी का मतलब ही बुक्स, ये कमरा और सीए की पढ़ाई बन चुका है। मेरा भी ना सीक्रेटली मन करता है कि मैं एक बार इस कमरे से बाहर निकलकर एक नॉर्मल जिंदगी बिताऊं, घूमूं, फिरूं, मजे करूं। दिवाली पर हाथ में किताबों की जगह पटाखे पकड़ूं, दोस्तों के साथ कभी मूवी का प्लान बना लूं या फोन घुमाकर बिना मतलब स्कूल के किस्से याद करके हंस लूं। पर हर बार दिल से एक आवाज निकलती है, कुछ और वक्त कहकर अपने बढ़ते हुए पैर को रोक लेती हूँ। अंधों की तरह मेरे सपनों का पीछा कर रही हूँ, ना भूख ना प्यास, सब कुछ भूल गई हूँ। पर जो अंधे की तरह दौड़ता है ना, उसे ही गिरने का डर सताता रहता है। दिल जोरों से धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, नींद में बार बार खौफ से भरे हुए वो सपने मुझे सोने नहीं देते। लेकिन फिर अपना ही हाथ अपने सर पर घुमाकर फिर से सोने की कोशिश करती हूँ। जी तो चाहता है कि मम्मा को उठाकर कहूँ, मम्मा सर दबा दो, पापा को हक कर रो दूँ और मन हल्का कर लूँ। पर फिर सोचती हूँ मेरी परेशानियों से आखिर मेरे मम्मी पापा को क्यों परेशान करूँ। ऑलरेडी जब मेरी उम्र के दूसरे लोग अपने माँ बाप को अपनी कमाई से सहारा दे रहे हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं तो उनको इमोशनल ट्रॉमा से तो फ्री रखूँ। उन्हीं को देखकर ये ख्वाब जिंदा रखने की उम्मीद बनी रहती है। उन्हीं का सोचकर झूठ मूठ की ही सही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट तो आ जाती है। ईमानदारी से कह रही हूँ, मेरे से जो कुछ होता है वो मैं जी जान लगा के करती हूँ। और जनाब आप कहते हैं कि सीए मेरे बस का नहीं, लेकिन एक बात बता दूँ कि सीए करना अगर मेरे बस का नहीं तो किसी के भी बस का नहीं। फेल होने के बाद अगर क्विट किया जाता तो कितने सारे AIRs फिल्टर हो जाते। अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट से आज डर के रहूंगी तो कल किसी बैंक या ऑफिस में नॉर्मल अकाउंटेंट बन के रह जाऊंगी। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह करूंगी तो मेरे माँ बाप के उपकारों को कैसे फेडूंगी। अगर बीते हुए नवंबर के बारे में ही सोचती रह जाऊंगी तो आने वाले मई को कैसे जीत पाऊंगी। मैं जानती हूं ये रास्ता आसान नहीं है, पर ये रास्ता मैंने खुद के लिए चुना है। इसीलिए मैं आज अपने आप से वादा करती हूँ कि मैं गिरूंगी जरूर, पर हार नहीं मानूंगी। फेलियर्स आए भी तो आंखें झुकाकर नहीं, आंखें मिलाकर मेहनत फिर से करूंगी। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं सीए बनकर ही रहूंगी, मैं सीए बनकर ही रुकूंगी।